कैबिनेट में हिस्सा मिलना चाहिए। तो देखिए अनुप्रिया पटेल का नाम है, लेकिन इसी नाम के साथ बयान क्या आया वो सुन लीजिए। मछुआ माहौल है, इसको प्रभाव देखते हुए अगर अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभाव करने वाले जो है निशाद माहौल है सीटें हैं और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, संजय निषाद ने बयान दिया कि अगर अनुप्रिया पटेल मंत्री तो प्रवीण निषाद क्यों नहीं? अवैस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा आपसे बात करेंगे। फिलहाल तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम अटकलें शुरू और उसी के बीच बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। संजय निषाद ने भी बयान दिया है, प्रवीण निषाद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिले इसको लेकर उन्होंने कहा है आज। तो ये बार बार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो नाम संभावित मंत्रियों के चेहरे दिखा रहे हैं, वो है अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, ये इस कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। आज एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, लोगों का नए चेहरे शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में, पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है। तो लगातार जो सस्पेंस का दौर चला है उस सस्पेंस पर से आज शाम 6 बजे तक पर्दा उठ जाएगा और तमाम बड़े चेहरे दिल्ली इस वक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि अटकलें तेज थी, हर कोई इस मंत्री पद के लिए दावेदारी करता रहा है समय समय पर, लेकिन आज जाकर वो नाम वो पत्ते खुलेंगे जिसको अभी तक छुपाया जाता रहा है और शाम 6 बजे नामों का ऐलान भी हो जाएगा। तो कवायद तेज है, नेताओं का पहुंचना तेज। तो मंत्री निशंक को कैबिनेट से हटाया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक कैबिनेट से हटे हैं और मंत्री निशंक को कैबिनेट से हटा दिया गया। जैसे पहले ही कहा जा रहा था कि यहाँ पर कुछ लोगों को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है, कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर हो सकता है प्रमोशन हो जाए। तो ऐसे में आखिरकार रमेश पोखरियाल को उनकी कैबिनेट से हटाने के बाद क्या कुछ पद दिया जाएगा इसको लेकर भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल उनको अब हटा दिया गया है, उनके पद से निशंक को कैबिनेट से हटाया गया है। और अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, रमेश पोखरियाल एक नाम तो पहले आ गया जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, क्या उनके लिए कुछ नया सोच के रखा गया है? जी बिल्कुल, साफ तौर पे रमेश पोखरियाल जो हैं उनको हटाने की खबर जो है वो आ रही है और ये कहा जा रहा है उनका स्वास्थ्य क्योंकि सही नहीं है। बीते कई दिनों वो अस्पताल में भी भर्ती रहते हैं, उनको कोविड हो गया था, उसके बाद फिर पोस्ट कोविड दिक्कतों को लेके वो अस्पताल में कई दिन भर्ती रहते हैं, जिसकी वजह से CBSE की तारीखों का ऐलान जो था वो था। तो अब ये खबर आ रही है कि नरेश पोखरियाल जो है उनको हटा दिया गया है स्वास्थ्य कारणों से। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के अनुप्रिया पटेल जो है वो मौजूद हैं और अजय मिश्र जो है वो भी मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ही नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कोई बड़ा पद जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो वो अपना दल की सहयोगी दल हैं एक तरह से BJP की और अपना दल से नेता हैं, और ये कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों को साधने के लिए कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को बनाया जा रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जब 2017 में बात की जाए तो उस दौरान भी वो मोदी कैबिनेट थे, लेकिन जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार बनी तो उसमें उनको कैबिनेट का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्षेत्रीय दलों को साधने के लिए समीकरण बनाने के लिए अनुप्रिया पटेल को जो है वो इसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन संजय निषाद जो है वो इस बात पर खासा नाराज है और बयान जारी किया जाए कि अनुप्रिया पटेल को अगर जगह दी जा रही है तो प्रवीण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पर नाराजगी रहता जा रही है, ऐसा कहा जा रहा था कि संजय निषाद ये लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो अवैस आपको बने रहिए हमारे साथ, देखेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए रमेश पोखरियाल को हटाया गया है, उनके पास से बीमारी के चलते कहा जा रहा है कि उन्हें हटाया गया है और संभावित चेहरे जो हैं वो नाम जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर अवैस से एक बार प्रश्न कर लेते हैं। अवैस, या अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, BL वर्मा, युवा चेहरे हैं ये जिनको शामिल करने की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल हैं, तो इन युवा चेहरों को जिम्मेदारी किस तौर पर दी जा सकती है, कौन सा मंत्रालय इनके लिए सुटेबल सोचा गया होगा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, अजय मिश्र हों या फिर BL शर्मा हों, इन तमाम नेता जो तीन बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं जो आते हैं उत्तर प्रदेश से, वो इस प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं और अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में वो सूची पहुँच चुकी है जिसमें मंत्रालयों का बंटवारा या फिर जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उनके नाम की जो लिस्ट है वो राष्ट्रपति भवन में दी जा चुकी है, पहुँच चुकी है। और राष्ट्रपति भवन में आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति
भवन में जो है वो शपथ समारोह होना है, ऐसे में उससे पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लगातार वहां पे तैयारियां जो है कैबिनेट मंत्रालय के विस्तार को लेकर जो कार्यक्रम होता है उसको लेकर जो है तैयारियां शुरू कर दी। और ये भी बताया जा रहा है कि 50 लोग जो हैं वो मतलब सरकार के बाहर के ऐसे लोग जिनको निमंत्रण भेजा गया है इस समारोह में शामिल होने के अलावा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ रही कि अनुराग ठाकुर जो अभी तक राज्य वित्त मंत्री थे उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको कोई बड़ा मंत्रालय जो है वो भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जिनके प्रमोशन की बात जो है वो कही जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो एक बहुत बड़े नेता है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ हलचले मैं प्रधानमंत्री आवास का सीधा आपको दिखाना चाहूंगा। हलचले तेज हुई है, गाड़ियां जो फ्लिट की हैं वो पीछे जा रही हैं, इसका मतलब कि बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और अब जो नेता अंदर मौजूद थे, देखिए एक पहली गाड़ी जो है दिल्ली के नंबर की कोई बाहर निकली और गाड़ियों का लगातार बाहर निकलना अब यहाँ से शुरू हो चुका है। साफ तौर पर जो बैठक अंदर चल रही थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है और अब यहाँ पे जो कैबिनेट जो संभावित कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे उनका निकलना जो है वो जारी है। अगर यहाँ से मैं देख पाऊँ किसी का, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है रोड की साइड, आप कई मंत्री लगातार यहाँ से निकल रहे हैं और ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो इस गाड़ी में मौजूद थे और अगर बात की जाए तो परिवहन मंत्री जो थे वो भी मौजूद, वो भी निकल गए। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश का कोई भी नेता, जो तीन नेता थे उनमें से संभावित तीन नेता, उनसे कोई भी नेता नहीं निकला। हालांकि तीन गाड़ियां जो हैं वो अभी यहां से निकली हैं, उसमें साफ तौर पे देख नहीं पाया मैं कि कौन कौन से नेता मौजूद है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी था और रोड की दूसरी पार जो पुलिस जाने दे। लेकिन ये साफ है कि प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है, अब से थोड़ी देर में सभी नेता जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे और अपने अपने आवास के लिए रवाना होंगे। साफ तौर पर हलचल जो है वो तेज हो गई है, पुलिस अलर्ट पे हो गई है, मीडिया के दूसरे लोग जो हैं वो रोड के दूसरी पार भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है, जो संभावित मंत्री बनने वाले थे मोदी कैबिनेट में उन सभी को यहाँ बुलाया गया था, उनसे विचार विमर्श हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 6 से ज्यादा महिला संभावित मंत्री जो हैं या नेता सांसद कहा जाए जिनको, वो प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे, जिनमें अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी जो दिल्ली से आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके अलावा मीनाक्षी लेखी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है मीनाक्षी लेखी को भी दी जा सकती है। इसके अलावा साउथ की अगर बात करें तो साउथ की भी कई महिला नेता जो है सांसद वो यहाँ पर पहुंची थी और ऐसा कहा जा रहा है कि एक पूरा समीकरण बनाया जा रहा है कि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके, क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए तो निर्मला सीतारमण हो चाहे दूसरे नेता हो, वो तमाम महिला नेता जो बड़े नेता हैं, वो मंत्रालय भी बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय बना हुआ है। सहकारिता मंत्रालय आखिरकार किसको सोचकर, क्या सोचकर बना है और इस पर कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा दावेदारी रखता है इस वक्त? मंत्रालय में अभी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आधिकारिक लिस्ट जो है वो नहीं जारी की गई है, लेकिन कयास आरायां लगाई जा रही है। जिस तरह से कई मंत्रियों को राज्यपाल बनाया गया और कई मंत्रियों को ये कहा गया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनका काम नहीं सही है, ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल के एक मंत्री जिनका कहा जा रहा है कि उनका कार्यकाल जो है वो बीते 2 साल में बहुत अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने जो केंद्र की योजनाएं थी उनको जमीन पर सही तरीके से नहीं उतारा है, इसलिए उनको भी हटाया जा सकता। साफ तौर पर बंगाल से भी कोई नया चेहरा जो है वो इस बार तो फिलहाल देखिए वहां पर जो बैठक चल रही थी पीएम आवास पर वो खत्म हो चुकी है, वहां से कुछ बड़े चेहरे निकलते भी दिखे हैं और अभी कुछ अंदर ही शायद मौजूद हैं। तो अब अगली खबर गोंडा से, जहां पर ब्लॉक प्रमुख का पर्चा खरीदने के दौरान बवाल हुआ।